सीधा सा सवाल, क्या हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों के सामने मारकर उल्टा लटकाकर जिंदा जला देने की धमकी ही विपक्ष का असली आइडिया ऑफ इंडिया है? मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी, राइट? देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। केरल की मुस्लिम लीग ने केरल में एक जुलूस निकालकर हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी। उन्होंने नारे लगाए हैं कि हम मंदिरों के बाहर हिंदुओं को फांसी दे देंगे। क्या वो मोपलाओं के द्वारा किए गए नरसंहार को दोहराना चाहते हैं? You all know that we never support such kind of haters. So we have decided to expel him from the party. And also we have declared an inquiry committee. And after the inquiry committee report, we will take further action. देखिए, कल ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया की इंडियन मुजाहिदीन से तुलना की थी। बहुत बुरा लगा था लोगों को कि विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया की इंडियन मुजाहिदीन से तुलना। आज गठबंधन वाले इंडिया के सहयोगी मुस्लिम लीग के हिंदुओं को टांग कर जला देने का वीडियो सामने आ गया। कल इंडियन मुजाहिदीन से तुलना और आज इंडिया के एक सहयोगी मुस्लिम लीग का वीडियो जिसमें हिंदुओं को जला देने की मारने की बात की जा रही है। कल तुलना हुई थी इंडियन मुजाहिदीन से। जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर बताया, उसी ने केरल में हिंदुओं को जलाकर मार देने का अपना प्लान भी बता दिया और भारत को विपक्षी गठबंधन वालों के सेकुलर होने का शायद असली मतलब भी समझ में आ गया। इसलिए सवाल है आज, क्या अब अपने ही देश में हिंदू रामायण का पाठ नहीं कर पाएंगे क्या? तो मुस्लिम लीग बताएगी क्या अब हमको? तो क्या अब अपने ही देश में हिंदुओं को उन्हीं के मंदिरों में मारकर लटका दिया जाएगा? तो क्या अब अपने ही देश में हिंदुओं को उनके ही मंदिरों में जिंदा जला दिया जाएगा? ये शब्द सुनने भर से ना किसी भी भारतीय का खून खौल उठेगा। लेकिन ये एक एक शब्द, ये शब्द नारेबाजी की शक्ल में बार बार दोहराए गए भारत के ही एक राज्य में, सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। कोई आपको खबर में से बताएगा भी, क्योंकि ये इंडिया वाले राज्य से है ना, तो खबरें दबा दी जाती है। जो खबर दबा दी जाती है वो असली खबर होती है। सुनिए, भारत के ही एक राज्य में, राज्य का नाम है केरल। केरल, अब ये मणिपुर से या यूपी से इस तरह आता ना तो आज आग लग जाती देश में और करने वाले कोई और होते तो। लेकिन सुनिए, ये है केरल की तस्वीरें और हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी करने वाली पार्टी का नाम जानते हैं क्या है? फिर अपनी याददाश्त पर गौर करिएगा इस पार्टी के बारे में किसने क्या कहा था। नारेबाजी करने वाले जो लोग हैं, इनकी पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। याद आया कुछ? वही मुस्लिम लीग जो बकौल राहुल गांधी 16 आने सेकुलर पार्टी, शानदार सेकुलर। वही मुस्लिम लीग जो विपक्ष के गठबंधन इंडिया, गठबंधन वाला इंडिया, इसे बोलूंगा, विपक्ष के गठबंधन वाले इंडिया का हिस्सा है। जी हां, मेंबर i.n.d.i.a, इंडिया अलायंस। वही मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस की साथी रही है, कांग्रेस की साथी। आप एक काम करिए, ये हैरान कर देने वाली खबर है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगी, दबा दी जाती है ऐसी खबरें। हम तो दिखाएंगे भाई, देश नहीं झुकने देंगे, खबर तो दिखाएंगे। पहले ऐसा करिए, आप ये नारेबाजी सुनिए, पूरी नारेबाजी सुनिए, फिर हम आपको विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के असली आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये रैली मुस्लिम यूथ लीग, मतलब
मुस्लिम यूथ लीग ने केरल के कासरगोड में मणिपुर हिंसा के विरोध में और मणिपुर के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित की गई थी। मुस्लिम यूथ लीग, ये क्या है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अच्छा, इसमें भी इंडिया है वैसे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा है IUML, को ही मुस्लिम लीग कहा जाता है। फिर से कह रहा हूं, इनके नाम में भी इंडिया है, जो भारत के हिंदुओं को टांग कर जला देने की बात कर रहा है। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसके बारे में अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने कहा था कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है। देख लिया सेकुलरिज्म कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। हो सकता है यही सेकुलरिज्म है विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया का। मुस्लिम लीग के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेकुलर ना हो, ये राहुल गांधी ने कहा था। और जो मुस्लिम लीग को सेकुलर नहीं मानता उसने मुस्लिम लीग को कभी समझा ही नहीं। हालांकि ये विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया के सेकुलर होने की परिभाषा हो सकती है, हमें कोई डाउट नहीं है, उनका मामला है। लेकिन कम से कम भारत में सेकुलर होने का मतलब यह कतई नहीं। वैसे हिंदुओं को जलाने की बात करने वाले मुस्लिम लीग के बारे में भारत के लोग कभी ठीक से ना ये समझ ही नहीं पाए थे। समय पर समझ गए होते ना ये मुस्लिम लीग के बारे में तो बंटवारे की जो बॉल सर सैयद अहमद खान ने, बंटवारे की जो गेंद सर सैयद अहमद खान ने उछाली थी ना, जिसे मोहम्मद इकबाल ने कैच किया था, और बंटवारे की जिस बॉल कर मोहम्मद अली जिन्ना सीमा पार कराकर ही माने थे, उस बॉल की हवा पहले ही निकल गई होती। लेकिन ये बात ना तो आजादी से पहले कांग्रेस के नेताओं को समझ में आई और ना ही आज आजादी के बाद कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ रही है। तभी तो आजादी से पहले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाली असली मुस्लिम लीग के अनुयायी आज विपक्षी पार्टियों के गठबंधन 18वें नंबर पर पार्टी पढ़िएगा जो 26 है ना, उसमें यह भी पार्टी है, विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, 18वां नंबर पढ़िए ध्यान से। तभी तो 1948 में बनी मुस्लिम लीग का साथ आज तक कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। तभी तो आज भी हिंदुओं को मारने काटने और जलाकर मार देने वाली की धमकी देने वाली मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेकुलर कहते हैं। उन्होंने सेकुलर कहा था, कोई डाउट नहीं। मुस्लिम लीग राहुल गांधी को 100% शुद्ध सेकुलर पार्टी नजर आती है। लेकिन आज राहुल गांधी भी चुप हैं, विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया वाले भी चुप हैं, जो संसद में शोर मचा रहे हैं ना वो भी चुप है, जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उन्हें आज भी मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म पर पूरा भरोसा है। हिंदुओं को जलाकर मारने वाले अपने सहयोगी के भड़काऊ भाषण पर उनको कोई एतराज नहीं है। सहयोगी है ना भाई, आपके विपक्षी गठबंधन इंडिया का पार्ट है। उन्हें बिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित तौर पर गोलियां चलाने वाली सरकार से सवाल नहीं करना, यह भी आज की बहुत बड़ी खबर है। उन्हें उडुप्पी में, कर्नाटक उडुप्पी में हिंदू बेटियों के अश्लील वीडियो बनाए जाने के मामले में जवाब नहीं चाहिए। उन्हें बंगाल हिंसा को लेकर कुछ नहीं कहना। हालांकि केरल में हिंदुओं को नरसंहार की धमकी मामले ने जब जोर पकड़ा तो मुस्लिम लीग की तरफ से सफाई आई। कहा गया कि नारे लगाने वाले अब्दुल सलाम नाम के व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया है। खबर है कि इस मामले में केरल पुलिस ने भी सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। नारेबाजी देखते रहिए, आपका खून खोलेगा। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया वालों का खून कब खोलेगा? उन्हीं के सहयोगी हैं मुस्लिम लीग सेकुलर सो कॉल। प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर संसद सिर पर उठाने वाले ऐसी पार्टियों को सिर पर कब तक बिठा कर रखेंगे? कड़वा सवाल, बुरा सवाल, बुरा और कड़वा दोनों। कब मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की नफरती सोच के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? सीधा सवाल। यस्टरडे कासरगोड डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑर्गेनाइज्ड अ रैली इन कांजननाडु। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी ही रेज्ड अ स्लोगन। वी हैव नोटिस्ड दैट वन ऑफ द मेंबर रेज्ड अ स्लोगन अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। And he tried to make hate between the religious groups. We all know that we never support such kind of haters. So we have decided to expel him from the party. And also we have declared an inquiry committee
And after the Engari committee report, Pulgori committee report, we will take further action. इतनी बड़ी खबर है, सोचिए, हिंदुओं को मारने काटने जलाने का खुलेआम ऐलान, नरसंहार की धमकी। इंडिया वालों को गुस्सा ही नहीं आ रहा, गठबंधन हम लोगों को तो आ रहा है, भारतीयों को तो, भारत वालों को तो आ रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों को गुस्सा ही नहीं आ रहा। वैसे माशे जिनको आप सुन रहे थे कहा था कि वन ऑफ द मेंबर, वीडियो में देखिए वन ऑफ द मेंबर लग नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। केरल में हिंदुओं को खुलेआम नरसंहार की धमकी दी गई, कोई कुछ नहीं बोला। सेकुलरिज्म की दुआइयां देने वाले, बीजेपी को कथित सांप्रदायिक बताने वाले, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी बताने वालों के बीच आज सन्नाटा पसरा हुआ है। सब साइलेंट मोड में चले गए हैं, साइलेंट मोड, जो बोलना ही नहीं है इस पर। जबकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी दिलाने वालों का आइडिया ऑफ इंडिया ये था कि भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं चलेगा, भारत में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होगी और भारत में सांप्रदायिकता का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और जिस सोच ने पाकिस्तान बनवाया उस सोच को तो भारत से उखाड़ फेंकना ही होगा। लेकिन आज आजादी के 76 साल बाद उसी आइडिया ऑफ इंडिया की ना धज्जियां भारत के एक राज्य में उस पार्टी ने उड़ाई है जो विपक्ष के इंडिया, गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि केरला के मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द। इस तरह से हिंदू फेथ के बारे में हल्की बात नहीं की जानी चाहिए, इसके बहुत ही भर्त्सना करते हैं। केरल की मुस्लिम लीग ने केरल में एक जुलूस निकालकर हिंदुओं के नरसंहार की धमकी दी है। उन्होंने नारे लगाए हैं कि हम मंदिरों के बाहर हिंदुओं को फांसी दे देंगे। क्या वो मोपलाओं के द्वारा किए गए नरसंहार को दोहराना चाहते हैं? एक अजीब सी आक्रामकता भारत के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर निर्माण की जा रही है। देखिए, मुस्लिम लीग से कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, जो मुस्लिम लीग है वो यही करेगी, वो कट्टरपंथी सोच है, हमको कुछ और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन जानते हैं हैरानी किस चीज की है? हैरानी और दुख इस चीज का है कि राहुल गांधी जैसे नेता इसी मुस्लिम लीग में कुछ भी भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ उनको नजर नहीं आता। वो कहते हैं सेकुलर पार्टी है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में राहुल गांधी की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग भारत की अकेली ऐसी पार्टी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक सेकुलरिज्म के शहद में डूबी हुई है। एक बार आप भी मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी का वो बयान फिर से सुनिए जो उन्होंने जून के महीने में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में दिया था। सुनना चाहिए आपको। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। सेकुलर पार्टी है भाई, सेकुलर पार्टी है। अब या तो हमें सेकुलरिज्म का मतलब नहीं पता या यही असली सेकुलरिज्म है। वैसे तो कहा जाता है तुष्टिकरण और हिंदुओं से रण, आजकल तो यही कथित सेकुलरिज्म है ना। या तो राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं कि यही असली सेकुलरिज्म। इंडिया गठबंधन संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। विपक्ष को लगता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित चुप्पी की वजह से देश को उन पर विश्वास नहीं रह गया, यही है ना। लेकिन आज हम एक काम करते हैं, गठबंधन इंडिया वालों को एक चैलेंज देते हैं। वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बोलें, उससे पहले संसद में गठबंधन इंडिया वाले, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इनमें भी इंडिया लगा हुआ है, कि चार सांसदों से उसी संसद में केरल में हुई घटना पर जवाब मांगकर दिखाएं। इस समय लोकसभा में इस इंडियन मुस्लिम लीग के तीन सांसद है जिनका नाम है ईटी बशीर मोहम्मद, एमपी अब्दुल समद समदानी, के नवाज कानी, और राज्यसभा में मुस्लिम लीग के एक सांसद है पीडी अब्दुल वहाब। अच्छा, ये चारों सांसद आज की तारीख में विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा हैं, जो हिंदुओं को जलाने और टांग कर जलाने की धमकी दे रहे हैं मंदिरों के सामने। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग गठबंधन वाले इंडिया में शामिल है, सहयोगी है। इसलिए विपक्ष को ना पहले संसद में उन सांसदों से पूछना चाहिए, यही आइडिया ऑफ इंडिया है, कि जनता ने उन पर जो विश्वास किया था ना उसका सिला उनकी पार्टी ने हिंदुओं के नरसंहार की धमकी के साथ क्यों लिया। पूछिए ना, है हिम्मत।
लगता नहीं है कि विपक्ष अपने साथियों से कोई सवाल करेगा, क्योंकि खुद को मोदी के खिलाफ स्पेशल 26 मानने वाले गठबंधन की पहचान अब साइलेंट 26 के तौर पर बनने लगी है। साइलेंट 26, ये साइलेंस वाला अलायंस, साइलेंस यानी कि खामोशी, अब धीरे धीरे उन सारे गुनाहों पर पर्दा डालने लगी है जिनका हिसाब मांगा जाने लगा है। चार तस्वीर आपको दिखाते हैं जिन पर सन्नाटा है, साइलेंस है, चुप्पी है, मौन है। पहले तस्वीर केरल की है जहां मुस्लिम लीग की रैली में हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी गई। मुस्लिम लीग गठबंधन वाले इंडिया की सहयोगी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया वाले चुप, सन्नाटे में मौन, साइलेंस, साइलेंट 26। दूसरी तस्वीर बिहार की जहां बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कटिहार जिले में बिजली की अव्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी, दो लोगों की मौत हो गई है। दृश्य इतने विभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। प्रदर्शन करने पर मौत, एक की मौत हो गई है, लेकिन जब हमने तस्वीरें देखी तो ऐसा लगा जैसे पुलिस ने लोगों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई है, सर पर गोली लगी है। तीसरी तस्वीर कर्नाटक की उडुपी की है जहां तीन मुस्लिम छात्राओं पर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के नहाते हुए वीडियोस बनाने के आरोप लगे, इस पर भी साइलेंट 26 खामोश, अजीब सा सेकुलर सन्नाटा है। और चौथी तस्वीर पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हुई हिंसा की है जहां 42 लोग मर गए, जिस पर बीजेपी ने आज अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। बीजेपी का दावा है कि इस रिपोर्ट में बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा के सबूत हैं। इसके अलावा जो कोई बोलता है उसको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। राजस्थान में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, गुड़ा साहब बर्खास्त कर दिए गए, उनको सदन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। छत्तीसगढ़ में SC ST का नगर प्रदर्शन और सारी चीजें हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। छोड़िए ना, मणिपुर होता तो बोलेंगे ना भाई, मणिपुर होगा, यूपी होगा तो बोलेंगे, तब दर्द होगा। वैसे थोड़ी ना दर्द होता है, बिहार है, बंगाल है, चलता है। मणिपुर होगा तब बोलेंगे, यूपी होगा तब बोलेंगे, इन पर थोड़ी ना कोई बोलता है। ये तो सेकुलरिज्म है, इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि मामला ना वोटों का होता है, तुष्टीकरण का होता है। देश को बांटने वाले इस तुष्टीकरण को एक नए नाम के साथ पेश किया गया है, ये मानकर कि नया नाम इस इतिहास को छिपा लेगा। लेकिन अगर नाम बदलने से कुछ बदलता तो 76 वर्षों में ना मुस्लिम लीग का चरित्र बदल जाता, सोच बदल जाती, सीरत बदल जाती। मुस्लिम लीग ने नाम बदला, हरकतें तो नहीं बदली ना। देश के बंटवारे की मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रखी थी, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान की इतिहास सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है एक एक शब्द को, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी ने खाद का काम किया था। मोहम्मद इकबाल ने उस विचार में नफरत का पानी घोला और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाकर भारत की जड़ों को हमेशा के लिए काट दिया। बंटवारे के बाद 1947 में असली मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, असली मुस्लिम लीग, लेकिन जो अनुयायी पीछे रह गए उन्होंने नफरत के बचे बीजों को भारत में ही रहकर वैसे ही खाद और पानी देने का फैसला किया जैसा सर सैयद अहमद इकबाल और जिन्ना ने किया था। 10 मार्च 1948 को भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया गया। अच्छा, नेम चेंज, यहां पर नाम बदल दिया गया इस बार इससे नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इंडिया जोड़ना जरूरी होता है इन लोगों के लिए, पहचान ना पाए ना, लगे इंडिया में घुले मिले हैं। एम मोहम्मद इस्माइल इसके पहले अध्यक्ष चुने गए, पर नाम बदलने से मुस्लिम लीग की नीयत नहीं बदली, सोच नहीं बदली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में भी इंडिया है, लेकिन मुस्लिम लीग का आइडिया ऑफ इंडिया क्या था उसके कुछ उदाहरण आपको आज देते हैं। आजादी के महज 12 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की अहम बैठक में मुस्लिम लीग के बाकी सदस्यों के साथ साथ केरल के मुस्लिम लीग के और जिन्ना के अनुयायी नेता बी पोकर और एम मोहम्मद इस्माइल ने पूरी बेशर्मी के साथ एक घनघोर सांप्रदायिक मांग रखी। क्या मांग थी, हैरान हो जाएंगे आप। इनकी मांग थी कि पूरे देश में चुनावों में मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीटें होनी चाहिए जिसमें सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार ही खड़ा हो और सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट डाले। हालांकि ये मांग नहीं मानी गई, लेकिन भारत की मुस्लिम लीग ने अपने दांव पेच अभी तक नहीं छोड़े हैं। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 1954 में जब हिंदू मैरिज एक्ट पर बहस चल रही थी ना, तब मुसलमानों के लिए भी मुस्लिम मैरिज एक्ट लाने की मांग हुई, और अगर ये मांग पूरी हो जाती तो उसी समय 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया होता। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया। हिंदू मैरिज एक्ट पर बहस के दौरान मुस्लिम लीग के सांसद एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा था ना, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया
और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मजहब के आधार पर बना है। ये कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी जिंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। लेकिन सोचिए, जिस मुस्लिम लीग के नेता आजाद भारत में मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीट और शरिया कानून की मांग कर रहे थे, वही विपक्ष के गठबंधन इंडिया का आज हिस्सा है। वही मुस्लिम लीग राहुल गांधी को ऊपर से नीचे तक सेकुलरिज्म के शहद में डूबी हुई नजर आती है। पूछने की जरूरत है मुस्लिम लीग। उधर आपको बता दें, पाकिस्तान में खबर बहुत बड़ी है। अंजू से बताया जा रहा है बड़ा खेल हो गया। तो गई तो थी नसरुल्ला से निकाह करने,